राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षाची निवड ही निवडणूक प्रक्रियेने होत असेल तर प्रदेशाध्यक्षांची निवड देखील निवडणुकीच्या प्रक्रियेने व्हायला पाहिजे अशी मागणी करत काँग्रेस नेते आशिष देशमुख यांनी नाना पटोले यांना डिवचले आहे. काँग्रेसमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड ही निवडणूक प्रक्रियेने होत असेल तर मग प्रदेशाध्यक्ष का नेमता, त्यांची पण निवडणूक घ्या असे म्हणत प्रदेशाध्यक्षांची निवड देखील निवडणुकीच्या प्रक्रियेने व्हायला पाहिजे अशी मागणी करत काँग्रेस नेते आशिष देशमुख यांनी नाना पटोले यांना दिवसले आहे. नाना पटोले हे नेमलेले प्रदेशाध्यक्ष आहे, त्यामुळे त्यांना कधीही काढता येईल. त्यामुळे राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना प्रदेशाध्यक्षांची देखील निवडणूक घ्यावी अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे. ऑक्टोबर महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का चुना जाएगा, लोकशाही के पद्धति से वो चुनकर आएगा. निश्चित तौर पर अच्छी बात है, पर कल ही सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी जो है कांग्रेस ने बनाई, उनके जो अध्यक्ष है मधुसूदन जी मिस्त्री, इन्होंने एक वार्तालाप में दिल्ली में कल कहा कि जो प्रदेशों के अध्यक्ष है और जो AICC डेलीगेट्स है उनका चुनाव नहीं होगा, उनको मनोनीत किया जाएगा और वो नियुक्ति का अधिकार देने के लिए बैठक बुलाई जाए और वो सर्वाधिकार जो अक्टूबर महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का चुन के आएगा, कौन आएगा, कब आएगा, उसके बारे में कोई भी जानकारी आज नहीं रहते हुए भी जो दिया गया है ये कांग्रेस के संविधान के अनुरूप नहीं है, लोकशाही के मूल्यों के खिलाफ है. अभी भी वक्त गया नहीं है. मेरी विनती रहेगी मधुसूदन मिस्त्री जी से कि जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के द्वारा उसकी नियुक्ति होगी, चुनाव के द्वारा चुन के आएगा, उसी तरीके के हर प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं उनके द्वारा चुनाव से डिक्लेयर हो, साथ ही में AICC डेलीगेट्स का भी जो चुनाव हो और उसी के माध्यम से आगे चल के CWC मेंबर चुन के आने वाले. तो मेरी अभी भी वक्त नहीं गया है. मिस्त्री साहब ने ये चुनाव की प्रक्रिया महाराष्ट्र में, साथ ही देश के हर प्रदेशों में प्रदेश के अध्यक्ष और AICC डेलीगेट चुनाव की प्रक्रिया जाहिर कर.